कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया 3 तो आपका चैनल हो गया डिलीट, अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया 3 तो आपका चैनल हो गया डिलीट। अगर आपके यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक आ चुका है, स्ट्राइक दो तरीके का होता है, एक तो आपको यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक दिया जाता है और एक स्ट्राइक होता है कि अगर आप किसी का कॉन्टेंट चोरी करके डालते हैं, सपोज दैट आप किसी और क्रिएटर का वीडियो अपलोड करते हैं तो वो भी आपके वीडियो पे स्ट्राइक मार सकता है, उस स्ट्राइक को कहा जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर आपके चैनल पे पहला स्ट्राइक आता है तो यूट्यूब आपको वो वार्निंग स्ट्राइक के तौर पे दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से, लेकिन अगर आप 90 डेज के अंदर कोई भी गलती नहीं करते हैं तो वो आपका स्ट्राइक हट जाएगा। स्ट्राइक हटाने का दो क्राइटेरिया है, या तो आप उस पर क्लेम कीजिए, अगर आपका क्लेम सही हुआ तो आपका स्ट्राइक हट जाएगा, नहीं तो YouTube का एक ट्रेनिंग होता है, अगर वो कर लेते हैं 25-26 क्वेश्चन का ट्रेनिंग होता है वो कर लेते हैं तो आपका स्ट्राइक तब भी हट जाएगा। लेकिन अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट चोरी करके अपलोड करते हैं और वो कंटेंट क्रिएटर आपको स्ट्राइक मारता है तो वो स्ट्राइक आपका काउंट हो जाएगा। अगर वार्निंग स्ट्राइक के अंदर 90 डेज के अंदर ये स्ट्राइक आता है तो एक स्ट्राइक काउंट हो जाएगा, तो वार्निंग स्ट्राइक हटने में भी आपका 90 दिन लगेगा जब से वार्निंग स्ट्राइक आया तब से, और जब से फिर से ये कंटेंट क्रिएटर वाला को कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो ये भी हटने में आपको 90 दिन लग जाएगा, तो दोनों को हटने में 90 दिन लगेगा। और बात ऐसा है कि अगर आप 90 दिन के अंदर फिर से गलती करते हैं तो एक स्ट्राइक और आएगा तो आपका दूसरा स्ट्राइक काउंट हो जाएगा। अगर लगातार 3 स्ट्राइक आपके यूट्यूब चैनल पे आ गया तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, इसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना है तो कृपया करके दूसरे का कंटेंट्स मत चुराए, नहीं तो वो अगर आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारता है तो आपका चैनल भी डिफेक्ट कर जाएगा। लेकिन एक बात और है, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक 1 या 2 या वार्निंग स्ट्राइक आता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, बशर्ते आप अपने कॉन्टेंट्स पे काम कीजिए फिर से। अगर आप फिर से अपने कॉन्टेंट्स पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक हो या 1 स्ट्राइक हो या 2 स्ट्राइक हो, वो सब पे भी चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक 1-2 आ जाए तो फिर वहां पे आपको यूट्यूब की तरफ से थोड़ा सा मोनेटाइजेशन होने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस है अगर उसके खिलाफ अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो उसे कहते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अगर आप कोई भी ऐसा वीडियो बनाते हैं जो यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर का आप कंटेंट चुरा लेते हैं तब आप अपलोड करते हैं तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक कहलाता है, जो कि आपको 1-2 तक है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वो भी 90 दिन के अंदर में जब से उस पर आया रहेगा, तो हट भी सकता आप यूट्यूब का ट्रेनिंग सेशन कर लेते हैं तो। लेकिन अगर 3 स्ट्राइक आ गया कॉपीराइट स्ट्राइक का भी तो आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल फिर से नहीं ग्रो करेगा, आपका चैनल ही डिलीट हो जाएगा, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं अपना कंटेंट्स बनाइए, जो भी कंटेंट्स बना रहा है, ब्लॉग बना रहा है, जिस पे भी बना रहा है, आप अपना यूट्यूब चैनल का अपना कंटेंट्स बनाइए और अपना क्रिएटर अपना ही खुद का क्रिएट कीजिए। दूसरे का कॉन्टेंट चुराने से आपका कोई भी फायदा नहीं हो सकता है, चैनल ही मोनेटाइज नहीं हो जाएगा, और आप होप लगा करके रहिएगा कि हम इतने रुपये कमा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है 3 तो आपका चैनल हो जाएगा डिलीट, अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा 3 तो आपका चैनल हो जाएगा डिलीट। ऐसा गलती कभी भी नहीं करें।